अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। आज की हमारी रेसिपी है इजी एंड सिंपल कुकी केक। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे दो ओरियो ले रही हूँ और एक बर्बन। अब इसको कट कर लेंगे। इसका क्रीम अलग कर लेंगे। और एक पैकेट मैं यहाँ पे हैप्पी हैप्पी कुकीज ले रही हूँ, 160 ग्राम। तीनों को मैंने अलग कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे। सबसे पहले बर्बन डालेंगे, हैप्पी हैप्पी कुकीज और ओरियो कुकीज। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब ये अच्छे से फाइन पाउडर हो गया है। अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे कुकीज़ को। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 कप दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक सैशे इनो का लेंगे, इसके अंदर इनो डाल देंगे और थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको जेंटली फोल्ड कर लेंगे। अब एक केक टिन लेंगे, इसके अंदर बटर ग्रीस कर देंगे। अब इसके अंदर एक बटर पेपर रख देंगे। रखकर इसको भी थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर बैटर को पोर कर देंगे। अब थोड़े काजू और बादाम को चॉप कर लेंगे। अब
केक को थोड़ा टैप करके इसके सारे एयर बबल्स निकालेंगे। इसके ऊपर कटे हुए काजू बादाम से गार्निश कर देंगे। अब ये हो चुका है। गैस पे मैंने कुकर रखा था नमक डालकर गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड रख के इसके अंदर केक टिन रखेंगे। इसको बंद करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम में रखेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। आंच को धीमी करके इसकी सीटी हटा देंगे। हटाकर 30 मिनट तक इसको बेक करेंगे। अब 30 मिनट हो चुके हैं। कुकर को निकाल कर चेक करेंगे। अब एक चाकू से चेक करके देखेंगे। देखिए चाकू कितनी क्लीन निकली है। अब एक केक बन चुका है। गैस बंद करके इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यह अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है केक। अब इसको निकाल लेंगे। इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए कितना इजी से निकल चुका है और कितना अच्छा बेक हो चुका है और कितना फ्लफी भी बन चुका है। देखिए आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा इजी और सिंपल कुकी केक बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।